सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चौकी इलाके के एक घरवा गांव में 14 जनवरी की रात में 6 मूर्तियों की चोरी हो गई थी। तभी से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। आज उन्हीं मूर्तियों में से 3 छोटी मूर्तियां गांव के पास ही राप्ती नदी से बरामद हुई। भिनगा कोतवाली इलाके के एक घरवा गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर 6 मूर्तियों की चोरी हुई थी, जो करोड़ों की मूर्तियां बताई जा रही थी। सभी अष्टधातु की मूर्तियां थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही थी। आज गांव का ही एक लड़का नदी के किनारे अपनी बकरियों को चला रहा था। उसने नदी में कपड़े में लिपटी हुई मूर्तियां पड़ी देखी। इसकी सूचना आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में नदी में से 3 छोटी मूर्तियों को तलाशा है और लगातार नदी में तलाश की जा रही है कि शायद और मूर्तियां भी बरामद हो जाएं। श्रावस्ती जनपद के एक घरवा गांव का मामला। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। कहाँ रहते हो तुम? घरवा। ये मूर्ति कैसे बरामद हुई, क्या हुआ, पूरा बताओ। बात बताओ। झगड़ी में गया दो ठो वहां के, फिर कपड़ा यहां पे पड़ा था, तो मैं मूर्ति निकाल के वहां दे आया। किसको दे आए? करने वाले। तो कैसे आप कैसे देखे कि यहां पड़ा हुआ है? वो कपड़ा दिखा रहा था। और कोई नहीं था यहां मौके पे? नाना लड़के थे। नाना लड़के रहे। कितनी मूर्तियां मिली हैं? 3। अच्छा, 3 छोटी वाली या बड़ी वाली? 3 छोटी वाली।